पिता पुत्री पवित्र आत्मा के नाम ये ब्लेस है पिता, इनके काम सफल हो जाए, चिंताएं परेशानी समस्याएं सब इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। नई ब्लेसिंग नई आशीष आप इनके जीवन में देने जा रहे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके नाम से, मैं आशीष करता हूँ इनके सारे काम सफल हो जाए, चिंताएं परेशानियां सब इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, बीमार है चंगे हो जाए, नौकरी की ब्लेसिंग बच्चे की आशीष मिलने पाए, घर में सुख और शांति की आशीष आने पाए। आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस रात की प्रार्थना के सभा में, और जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। हालेलुया। मेरे पियो, हम जब अपनी मर्जी से हम आगे चलते हैं मसीह में आने के बाद, तो हो सकता है आपके काम में रुकावटें बधाएं आए, और जैसे तैसे करके आप आगे बढ़ भी जाते हैं तो आपको सफलता उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम प्रभु को साथ लेकर हम चलते हैं और आगे बढ़ने में जो रुकावटें बधाएं आती है, मसीह में है आप आ जाएंगे आगे, तो रुकावटें बधाएं आपके जीवन में आएगी, लेकिन जब आप प्रभु के साथ होकर चलेंगे तो उन रुकावटों बधाओं को परमेश्वर दूर करते जाएगा, क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं शैतान तिलमिला जाता है और अपने सारे तीर को आपके ऊपर छोड़ देता है कि कोई ना कोई तीर तो इसके ऊपर लगेगा ही। हालेलुया। तो हम आज से अपना मार्ग की चिंता हम यहोवा पर डालने वाले हो जाएं। भजन संहिता 37 अध्याय के 5 वचन, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता आज से परमेश्वर के हाथों में दे दे, अपना सपना अपना फ्यूचर परमेश्वर के हाथों में दे दे मेरे पियो, और उसको साथ लेकर चले, अपनी मार्ग में उसको साथ लेकर चले, अपने संग लेकर चले, और उसके उसके बगैर आप कोई काम ना करें, अपने जीवन में पहला स्थान आप प्रभु को दें। हालेलुया, सफलता आपको मिलेगा। जब अपनी मार्ग की चिंता हम जीवित खुदा के हाथों में दे देते हैं, वो हमारे सारे कामों को सफल करते जाता है, हमारे सारे मार्गों को खोलते जाता है, और हमारे सारे जंजीरों को तोड़कर हमें जयवंत की ओर आगे बढ़ाता है। हालेलुया, ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो हम आज से उस पर भरोसा रखने वाले हो जाए, उस पर चिंता हम डाल दे, अपना बोझ उस पर डाल दे, वो हमारे लिए सारे कामों को सफल करेगा। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, और जितने लोग चर्च जमीन में सहयोग करना चाहते हैं टेल मिल जाएगा, अपनी शक्ति और प्रभु अगुवाई में आप इसमें सहायता करें, ताकि आपके सहायता के द्वारा वो काम सफल हो जाए, और जितने भेंट दान दस बना प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा का प्रार्थना करें मेरे पियो, वो हमारे लिए असंभव को संभव करने के लिए तैयार है, हमारे जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार है, हमारे मार्गों को खोलने के लिए तैयार है। ये सोरिस सिख है, जब अपना बोझ अपनी चिंता हम जीवित खुदा के हाथों में हम देते हैं मेरे पियो, वो हमारे लिए कार्य करता है। यस, थैंक यू लॉर्ड। रिस सिख रे भी रेक्तम जयम, विश्वास करे विश्वास करे, वो आपके मार्गों को खोल रहा है, वो आपके बंधनों को तोड़ रहा है, आपके जंजीरों को तोड़ रहा है, असंभव को संभव परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। यस पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के पिता या समय के लिए, दिन भर कारी मगवाई की आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया पिता, और जो काम होने थे पिता उन सारे कामों में आशीष दिया। मैं धन्यवाद कर, जो काम आज नहीं हो पाया पिता, कल वो आपके नाम से हो जाए खुदावन। ओ रिस सिख रे वे आमेन आमेन आमेन। बीमार पड़े हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आए मेरे पियो, बीमारियां छोटी हो बड़ी हो नई हो पुरानी हो, परमेश्वर उन सारी बीमारियों से आपको आजाद कर रहा है, बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। बीमारियां चाहे किसी प्रकार के क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उस बीमारी से आजाद करने जा रहा है। हर एक रसोली पथरी गिल्टिया गांठी सब यीशु के नाम में बाहर निकलेगी। आज तो विश्वास कर, मृकल परमेश्वर करेगा, आरिश्चय क्रम परमेश्वर करेगा। तो केवल विश्वास कर, तो अपने
विश्वास को मजबूत करें। मैं देख रहा हूं बहुतों का विश्वास कमजोर है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब तू विश्वास को मजबूत करेगा, जब प्रभु की सच्चाई को जानेगा, उसके पास सच्चे मन सच्चे दिल से आएगा, संपूर्ण मन से आएगा, तो परमेश्वर तेरे लिए कार्य करेगा, असंभव को संभव करेगा, तेरे जंजीरों को तोड़ेगा, तेरे मार्गों को खोलेगा, तेरे बीमारियों को चंगा करेगा। तेरे घरों में तीन लोग बीमार हैं, मैं कह रहा हूं बीमारियां चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, यस और रिस सीख रहे भी। लेकिन अगर तू सच्चाई ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पास आएगा, अपने पापों का अंगीकार करेगा, दोबारा ना करने का वादा करेगा, तो तेरे खानदान के लोग, तेरे परिवार के लोग चंगे होंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी चली जो श्राप के बंधन है वह समाप्त हो जाएगी, और आने वाली पीढ़ी आशीषों को पाएगी। नहीं तो इसी प्रकार श्राप चलता जाएगा, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी। लेकिन आज छुटकारे का समय है, यीशु के पास आ, पापों की क्षमा प्राप्त कर, उद्धार और चंगाई तुझे मिलने जा रहा है। श्राप के बंधन से परमेश्वर तुझे आजाद करने जा रहा है। ओ रीमा रसिखा राबा रेतम जयम। इसी समय पिता चंगाई का सामर्थ इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चले पिता, वो लोग देखते ही चंगे हो जाए। इनके घरों जो बीमार पड़े हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय वो चंगे हो जाए पिता। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में इसी समय प्रवाहित हो जाए। ये बल पे बल प्राप्त करते जाए, ये शक्ति और सामर्थ्य से भर जाए। ओ रिसिखेरेवे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक दर्द, हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए। बीपी, शुगर, नमो हो जाए, टीबी की बीमारियां बाहर जाए, यूटरस की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां बाहर निकलने पाए, पेट संबंधी बीमारियां बाहर निकलने पाए। जो पेट में भिन्न प्रकार की बीमारियां कार्य करे पिता, दर्द, बीमारी, इन्फेक्शन सब यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। इनके शरीर में जहां कहीं भी दर्द है, इसी समय हर एक दर्द से मैं इन्हें आजादी की घोषणा करता हूँ। जो सालों से दर्द इनको जकड़ के रखी है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम ये दर्द के बंधन से आजाद हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की आशीष की घोषणा करता हूँ। ओ रीमा रसिखा राबा रेतम जयम। विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर आपको सिर्फ चंगाई दे रहा है, और आप यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम में चंगाई आपके शरीरों में प्रवाहित हो रहा है। ओ हालेलुया। दुनिया कोने में कहीं भी रहकर आप प्रार्थना को देख रहे हैं मेरे पियो, मैं कह रहा हूँ आप यीशु के नाम में चंगे हो रहे है, और चंगाई का सामर्थ्य आपके शरीरों में प्रवाहित हो रहा है। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे यीशु के नाम में, बहरे सुनेंगे, जो बच्चे हैं पिता बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, वो बच्चे बोलने पाए, चलने पाए, और आपकी महिमा करने वाले हो जाए। मैं आपके नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ। यस, अपने हाथों को दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर रखें। यसो, अगर आपके घर में कोई बीमार है, उनके हाथों के ऊपर रख, उनके सिर के ऊपर रखे, अपने हाथ को रखे, और जो बच्चे बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, अपने हाथ को उनके गले में रखे, उनके उनके कानों में रखे, उनके पैरों में रखे, जहां प्रॉब्लम है, यह पेट में समस्या है, पेट में अपने हाथ को रखे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यस हालेलुया बोलते रहे, हालेलुया बोले अपने मुंह से, मैं यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ, मैं यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुकी हूँ। ओ मेरे सिख रे पिताजी, मैं इनके लिए प्रार्थना करता, ये अपने हाथ को पिता जहां कहीं भी रखे हैं, उन हाथों के द्वारा एक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रवाहित होने पाए, और इसी समय राइट नाउ ये चंगे हो जाए पिता। हर एक दर्द, हर एक इंफेक्शन, हर एक बीमारी जो सालों से इनके शरीर में कार्य कर रही है, मैं यीशु के नाम इसी समय आगे आता हूँ, और बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर बाहर निकल। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की आशीष की घोषणा करता हूँ। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, चंगाई 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 आपको मिल रहा है। ओ रिमी रिसिखे रे बेसी समय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक बीमारी की बंधन, हर एक दर्द इनके शरीर से बाहर जाए पिता। ये अपने हाथ को जहां कहीं रखें वो चंगे और ब्लेसिंग हो जाए यीशु के नाम में। यस यस, अपने हाथों को आमीन बोलकर हटाए वहां से। पिता आपने चंगाई दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। ओ
हालेलुया हालेलुया रीमा रा सिखा राबा अंधे देखे लंगड़े चले बहरे सुने यीशु के नाम में। जो एडमिट है पीता हॉस्पिटल में वहां से आजाद हो जाए और घर को आने पाए, ऑपरेशन कैंसिल दवाई से चंगे हो जाए, हर एक रिपोर्ट बदल जाए, असंभव को संभव अपने जीवन में आप होते हुए देख रहे हैं। टोटो जवाब दे दिया है जीवन भर तो दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं टोटो जवाब दिया है लेकिन जीवित खुदा का जवाब अभी आना बाकी है और आप चंगे और ब्लेसिंग हो रहे हैं यीशु के नाम में। पिता मैं आपके नाम से चंगाई की घोषणा करता हूं, हर एक बीमारी हर एक दर्द से ये आजाद हो जाए पिता, इनके शरीरों में आपकी सामर्थ्य प्रवाहित हो जाए, क्या छोटे क्या बड़े ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए पिता परमेश्वर। दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गाँव किसी शहर किसी कस्बे में रहकर आप प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चंगाई आपको मिल रहा है यीशु के नाम में, आप चंगे हो रहे हैं। विश्वास के साथ क्लेम करें ओ रे मेरे से खेरे भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की आशीष की घोषणा करता हूँ। इसी समय यीशु के नाम में ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए पिता, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में इसी समय प्रवाहित हो जाए। दुनिया कोने में कहीं भी रहकर देख रहे पिता, किसी घर में किसी कोने में रहकर देख रहे हैं पिता, मैं आपके नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ। आपने सिफा चंगाई दे दिया पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने हाथों को हिलाते हुए अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाए मेरे पियो, वही जीवित परमेश्वर है, वही आपको सिफा देगा, वही आपको चंगाई देगा। अल्फा ओमेगा आदि अंत है और आप उसके नाम में चंगे हो रहे हैं, आप उसके नाम में चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। विश्वास करें विश्वास करें, यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में चंगाई है। अपने मुंह से अंगीकार करें मैं यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ, हर एक रसोली पथरी गिट्टी या गांठ है सब यीशु के नाम में बाहर जाए, बीपी शुगर नव हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए पिता, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर निकलने पाए, ओ झुनझुनी कंपन मिर्गी झटके बीमारियां बाहर जाए, ओ सर्वाइकल बाहर जाए, आँख की बीमारियां बाहर जाए, सिर दर्द गायब हो जाए, खून की कमियां दूर हो जाए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की चंगाई की घोषणा करता हूँ। इसी समय यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए पिता। ये जहां कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जिस घर जिस कोने जिस जिले में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, आप इन्हें सिफा आप इन्हें चंगाई देने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए पिता। आपने सिफा चंगाई दे दिया, आपने आस से इनके जुर्मे आपने उड़ेल दिया है पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। ओ रिमारा शिखर इसी समय पिता हर एक को मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, हर एक को आपने चंगाई दिया से दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जो कर्ज में घिरे पिता सारे कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए, हर एक कर्ज की जाले टूटने पाए और कर्ज के बंधनों से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए पिता, हर एक कर्ज की जाले यीशु के नाम में फटने पाए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, सारे कर्ज के जंजीरों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। जिनकी मेहनती कमाई कहीं फंसा पिता कंपनी में ऑफिस में कहीं पैसा इन्वेस्ट के पिता किसी को दिए हैं लेकिन नहीं मिल पाया, मैं प्रार्थना करता हूं पिता आपके पिता नाम से इनकी मेहनती कमाई मिल जाए, जो ऊंचे पदों बैठे उनका हृदय मन फिर जाए, यीशु के नाम में आंसुओं से भर जाए। इसी समय यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए पिता और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। रीमा रा सिखा राबा हुला राबा रिखा राबा रिक्तम जयम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। इनके मार्ग खुल जाए पिता, मरिकल मनी खातों में होने पाए। ओ हालेलुया आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। जो पिता अंधकार की आत्माओं में नशे की आत्माओं में डूबे हुए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ प्रभु जी हर एक अंधकार की आत्माएं नशे की आत्माएं बाहर जाए। जिस घर पिता जो लोग अंधकार की आत्माओं में डूबे हुए पिता, बड़ी सिगरेट गुटखा दारू के बंधन में बंधे हैं, व्यभिचार के बंधन में बंधे हैं पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, विचार वाली आत्माएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, नशे वाली आत्माएं बाहर निकलने पाए, इनके हृदय इनके मन के ऊपर पिता आपका कब्जा होने पाए। इसी समय यीशु के नाम में ये आंसुओं से भर जाए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में पिता, मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ पिता परमेश्वर, अपनी आंसुओं से भर दीजिए पिता। ऋषि खेरे भी रक्तम जयम रेक्तम जयम। ओ
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा 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 हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो पिता। ओ रामा रा शिखर भाई, इनके सारे काम सफल हो जाए पिता, हर एक बंधन टूट जाए, जंजीरें टूट जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उनके लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय पिता परमेश्वर है, हाँ प्रभु जी, घरों में पिता समस्याएं चिंताएं कार्य को सारी चिंताएं बाहर जाए, उनके जीवन के बंधन टूटने पाए, घर की समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, आर्थिक तंगियां दूर हो जाए, पैसे की समस्याएं दूर हो जाए पिता, जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं इनके जीवन में चाहिए पिता, वो आप बहुताय से इनके जीवन में देने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके नाम से, इनके घर परिवार को आशीष करता हूं। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए पिता, उस घर के चारों तरफ मैं यीशु के लहू मारे बांधता हूं पिता, वो घर आंसू से भर जाए, वहां काम सफल हो जाए, वहां चिंताएं बाहर जाए, वहां परेशानियां बाहर जाए, वहां से निराशाएं बाहर निकलने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ, उस घरों में स्वर्गीय ब्लेसिंग उतरने पाए पिता। ओ पिता सारे मार्ग खुल जाए, जो जंजीरे पिता और जंजीरे टूटने पाए, और ये पिता इनके सारे कामों के ऊपर आपकी आंसू की बारिश होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी समस्याएं घरों में कार्य कर चिंताएं परेशानियां वो सब से आजाद हो जाए, आपकी महिमा करने वाली हो जाए मेरे पियो। जब रास्ते बंद नजर आए परमेश्वर के सामने आना, प्रार्थना करना, आपके मार्ग खुलेगा, परमेश्वर आपको एक नया मार्ग बताएगा, एक नया रास्ता दिखाएगा पिता आगे बढ़ने में। जो इनके रुकावटें आ रही है, जो इनकी बाधाएं आ रही है पिता, वो सब आपके नाम से दूर हो जाए, इनके आगे का मार्ग खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए, चिंता और परेशानी के बंधन से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए पिता। घरों में आपने स्वर्गीय ब्लेसिंग, स्वर्गीय आशो को आपने दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जिनकी शादी नहीं हो रही पिता, शादी में रुकावटें बधाएं आ रही है, यीशु के नाम यह ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर। 2024 में पिता आपने के मार्ग खोल दिया और इनके जीवन में आपने आशीष दे दिया है पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। जीवन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया, रुकावटें बधाएं आ रही है, सफल नहीं मिल पा रही पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता यीशु के नाम ये सफल हो जाए, इनके काम सफल हो जाए, इनका बिजनेस सफल हो जाए, इनके लाइफ सेटल हो जाए पिता, और आगे का मार्ग खुल जाए यीशु के नाम में। आपने ऐसे आंसू की बारिश इनके जीवन में कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। रीमा रा सिखा रावा, जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए पिता, शादी के सालों बीत चुके, बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई, थके बांधे आए पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ और आपके नाम से मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ पिता। हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए, पेट की बीमारियां बाहर निकले पाए, ब्लैक मैजिक के बंधन से आजाद हो जाए इसी समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आंसू से भर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये आंसू से भर जाए, इनके काम सफल हो जाए, इनके बंधन टूट जाए पिता, और आपके नाम से मैं इन्हें आशीष की घोषणा करता हूं। हर प्रकार की बीमारी इनके जीवन से बाहर निकलने पाए इनके पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर भी पेट की बीमारियां बाहर जाए। 2024 में आपने बच्चे की आशीष दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। जितने लोग जॉब के लिए प्रार्थना करवाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मांगने से अधिक गुता से बढ़कर आप इनको जॉब की ब्लेसिंग आप देने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। आपके नाम से मैं इन्हें आशीष करता हूं पिता, एक नई ब्लेसिंग के साथ, नई आंसू के साथ है आप इनके जीवन में ब्लेस करने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आंसू से भर जाए। और इससे खेरे भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं पिता, अपनी आंसुओं से आपने भर दिया पिता, नई ब्लेसिंग के साथ, नई आंसुओं के साथ आपने इन्हें ब्लेस किया, मैं धन्यवाद 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 करता हूं पिता। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आंसुओं से भर जाए पिता, ऊंचे पदों पर, ऊंचे स्थानों पर आप इन्हें बैठाने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं पिता। ओ पिता परमेश्वर, हर एग्जाम में सफलता मिलने पाए, मांगने से अधिक गुता से बढ़कर आप इन्हें जॉब की ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम में, मैं इन्हें आशीष करता हूं। आपने नई ब्लेसिंग के साथ आपने ब्लेस किया, आपने इनके कामों को सफल किया पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। हर एक भाई बहनों को, हर एक परिजनों को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूं। जितने भाई बहनों को अपने बीज को बोया है, भेंट दान दशमा डाले आपके कार्य के लिए, आपके राज्य बहुतरी के लिए, इन सबों को मैं आशीष करता हूं पिता, और आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूं। जितना जो बीज बोया है उसका 100 गुना आप इन्हें पिता परमेश्वर फलवंत करने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। इनकी सैलरी भी, घर परिवार को आशीष करता हूं। रात में पिता बुरे स्वप्न
ब्रह्मचार्य के सुखनाय नींद से भरपूर करे पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रात तरी कृष्ण की प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की चंगाई की घोषणा करता हूं। आपने इन सबों को आशीष किया, धन्यवाद करते हैं। सुबह उठकर आपकी महिमा करने में हमारी सहायता मत करे। प्रार्थना सुना धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध्यास ग्रहण कर ले पिता। आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम विश्वास करें परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा और सारे कामों को सफल करेगा, जीवन के बंधन को तोड़ेगा और हमें आगे ले जाएगा। केवल हम विश्वास करें, बाकी काम परमेश्वर करेगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।